नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेंस एग्ज़ाम का दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर है, भाषा का क्वेश्चन पेपर है यह, जिसमें दिया गया है 2019 सिविल सर्विसेज 271 एग्ज़ाम, प्रश्न पत्र भाषा, विषय कोड 01। यह दोस्तों जिसमें लैंग्वेज है, विषय कोड सब्जेक्ट कोड 01 करके है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पहला भाग में है सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी में 100 नंबर का रहेगा, यानी मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का जी है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, संयुक्त स्वर ओ स्वर का उच्चारण या का उच्चारण जिसमें प्रवक्ता के दूषित ख और ग में कौन सा ध्वनि है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द को पूछा गया है, इसमें चार चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को के विलोम शब्द को लिखिए, इसका भी 4 नंबर का है। इसी प्रकार निम्नलिखित समुच्चारित शब्द युग्म में अर्थ भेद को स्पष्ट कीजिए, यह भी 4 अंक के है। फिर तत्सम शब्द लिखने के लिए दिया गया है, तत्सम शब्द को यानी कि तद्भव को तत्सम और तद्भव को तत्सम को तद्भव में चेंज करने के लिए। यहाँ पर सार्थक शब्द लिखने के लिए दिया गया संधि विच्छेद करके समासिक शब्द का समास विग्रह करना है। फिर यानी उपसर्ग मूल शब्द को अलग से करना है। निम्नलिखित उपसर्गों से दो भाषाओं की रचना दोस्तों इस प्रकार से है, और यहाँ पर मूल शब्द का प्रत्यय अलग दो दो शब्दों की रचना कीजिए प्रत्ययों में। इस प्रकार से शुद्ध के लिए दिया है, शुद्धि के लिए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है, 6 अंक रहेगा। यह मुहावरे का अर्थ लिखिए, काट को उल्लू होना, अंतरिया बुल कुल बुलाना, भीगी बिल्ली बनना, मुहावरे लोकोक्तियाँ, रीतिकाल के नामकरण, और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। फिर अर्ध शासकीय पत्र से पर प्रकाश डालिए, ऐसा है क्या है उसका एक यहाँ दोस्तों परिपत्र किसे को बोलते हैं, इन सब इसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात हिंदी को अनुवादित करना है, यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में। फिर दोस्तों कला क्षेत्र के संबंध में इस प्रकार से गद्यांश जो है पूछा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर आता है इंग्लिश, जो पेज नंबर 10 में है इंग्लिश के लिए। फिर यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रश्न आए हुए, और यह छत्तीसगढ़ी भाषा से 50 अंक का प्रश्न पूछा गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। छत्तीसगढ़ी शब्दार्थी शब्द और छत्तीसगढ़ी शब्द के शब्दार्थी हिंदी लिखिए। छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, पोखरा किसे कहते हैं, और छत्तीसगढ़ी शब्द को एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित सामासिक के प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखिए। इस प्रकार दोस्तों अब आता है जनरल इंग्लिश पेपर का, जो 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप लोग हिंदी 100 का रहेगा और छत्तीसगढ़ी 50 का और इंग्लिश जो है 50 के। इस प्रकार से दोस्तों डू एस डायरेक्ट पूछा गया है, सम ऑफ फॉलोइंग फेसेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, राइट साइनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यह तो इंसर्ट सुटेबल मॉडल। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी अंग्रेजी का यह प्रश्न पत्र है, यानी कि इसमें आपको सामान्य भाषा का रहेगा छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी का, तो यह 200 अंक का रहेगा। और दोस्तों यह पहला प्रश्न पत्र था। अब देखते हैं आने वाले प्रश्न पत्र भी जैसे मिलता है दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, अगर आप प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से निश्चिंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। CGPSC मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है भाषा का।